क्या राज भाई इधर देख भाई। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज शिवरात्रि है और आज हम मंदिर जा रहे हैं। तो ये मंदिर देवलकोट में है, मतलब हमारे घर से बहुत दूर है। हमारा घर बहुत ऊपर है तो मैं ऊपर से इसलिए व्लॉग बना के नहीं आया क्योंकि ऊपर बहुत धूप हो रही थी। मतलब अभी यहाँ पर भी बहुत धूप हो रही है, मतलब ऊपर दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने बोला थोड़ा नीचे जाके हम वीडियो को बनाएंगे। तो अभी हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं और दो ऊपर से आ रहे हैं। वो देखो नैना बोला अब देखते हैं पहले कौन पहुँचता। तो हम रोड़ी रोड आ रहे थे, नैना बोला हम ऊपर वाले रास्ते से आते हैं। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे तो मैं आपको वीडियो में दिखाते जाऊँगा। मतलब और हम पहली बात हम गाड़ी में नहीं आ रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं मंदिर की। कहाँ से? हाँ 9 किलोमीटर, वहाँ से हमारा गांव 9 किलोमीटर दूर है। मतलब कि हम 9 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर के। तो अभी हम रोड से नीचे के लिए आ गए, अभी शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ पर। ये वाले रास्ते से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, नहीं तो अगर हम रोड़ी रोड जाते तो बहुत दूर पड़ता था। आप जैसे देख सकते हैं ये भी चल रहे रोड वहाँ पे, और हम रोड से नीचे के लिए आ गए हैं। मतलब शॉर्टकट रास्ते, देखो भाई ये है शॉर्टकट रास्ता इनका, ये मरने वाला शॉर्टकट रास्ता। कहाँ है रास्ता? ओ वो रहा तुम्हारा, वहाँ पर है रास्ता। तो अभी हम पहुँच चुके हैं। क्या राज भाई इधर देख भाई, ये तुझे वो देख पत्थर के नीचे देख, मेंढक दिख रही है कि मछलियाँ दिख रही है? भाई हालत खराब हो गई भाई, इतना चल चल के हालत खराब हो गई। कितने ऊपर से आ रहे पता, बहुत ऊपर से आ रहे थे। अगर गाड़ी में आने का रहता तो सुबह उठना पड़ता था हमको, पर हम घर से 9:30 बजे निकले इसलिए अब पैदल लग रखे है गाड़ी में। इतना बढ़िया, अभी हम सब रास्ता लग रखे है यहाँ पर। तो अभी एक रास्ते में, जिस रास्ते में जा रहे हैं वहाँ पर अभी एक मंदिर आने वाला है। वो देखो वहाँ पर एक मंदिर, बट हमको इस मंदिर में नहीं जाना है, इससे भी दूर एक मंदिर है वहाँ हमको जाना। ये क्या है रे? मंदिर है। ये मंदिर है शिवलिंग जैसे होते ना ऊपर से एकदम गोल, कभी वो शिवजी जैसा मंदिर। अच्छा जी, कभी तो बनते मंदिर ऐसे, जो शिवलिंग बनते हैं ना वैसे पत्थरों के बनते, बस उसे काला पेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले मंदिर में पहुँचने वाले हैं, तो जरा इस मंदिर में भी देख लेते हैं मतलब कैसा है। बट मैं इस मंदिर में पहली बार आ रहा हूँ, इस वाले मंदिर में। मुझे पता था यहाँ एक मंदिर है बट आज मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ। अरे मंदिर में हम पहुँच गए हैं, इस मंदिर का भी देख लेते हैं जरा। मैं भारी से दिखा ब्लॉक। अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, हमको बहुत थकान लग रही है। तो अभी यहाँ पे से बस 1 किलोमीटर का रास्ता बचा है, तो अभी हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो देवलपुर का गांव है वो गेट आ गया, गेट आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे ग्राम देवलकोट का खेत है यहाँ पर। और ये हमारी दादी, दादी प्रणाम। आपको ये पूरा देवलकोट का गांव है यहाँ पर देखो, मतलब ये घर तो है बट गौशाला बना दिया लोगों ने इसको बढ़िया। यहाँ पहले ना ऐसे घर हुआ करते थे, कैसे आप देख सकते हैं ऐसे जाने के घर हुआ करते थे, बट अब गांव गांव में मतलब बढ़िया जैसे बाहर बनते हैं वैसे बनने लगे हैं। तरक्की हो गई बोल। स्कूल देख रहे हो, ये 12वीं तक है हमारे गांव में, 10 तक वहाँ है। तो जो बाकी बच्चे रहते हैं जो 10 पास हो जाते हैं फिर यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पर हमने केले ले लिए हैं मंदिर पे, पहले मंदिर में चढ़ाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। हमारे पास अलग से है बट हमने थोड़े से ले लिए हैं। और गाइस ये है हमारा यहाँ पर देवलकोट का स्कूल, जूम करके पूरा आपको दिखा रही है यहाँ का मैदान। फाइनली हम मंदिर पहुँच चुके हैं देवलकोट के, यहाँ पर हम यहाँ के अंदर चलते आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ का, अभी मैं आपको यहाँ के मंदिर दिखाऊंगा। मतलब स्कूल के बगल का मंदिर है,
तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मंदिर से पहले आप पैर धो के जाने पड़ते हैं, तो बाकी बड़ा बड़ा हैं बड़ा बड़ा यहाँ पे पैर धो लिए हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं। चल चल चलो अब चलते हैं। आप देख सकते हैं ये देवलकोट का मंदिर है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है, मतलब ये बहुत पहले से यहाँ पर का मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने मंदिर का पूरा इधर उधर का मतलब पूजा कर लिया है। यहाँ पे बहुत जगह मंदिर है, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ चारों तरफ मंदिर है यहाँ पर। तो देखो जैसे मैं हर मतलब जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर बढ़िया वीडियो बनेगी, बट इतना मतलब यहाँ तो उतनी धूप नहीं है, बट यहाँ पर चेहरा दिख नहीं रहा है। पर यहाँ हमने पूजा कर ली है, यहाँ हमको इस गाँव के जो गाँव के प्रिंसिपल है उनसे भी मिले हमें भी। यहाँ एक से एक मंदिर मिलेंगे आपको देखने के लिए, जो आप देख सकते हैं। इतना छोटा मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर होगा, बट है मंदिर। वैसे यहाँ पर पूरी पूजा हो चुकी है हमारी, हमने चारों तरफ पूजा कर ली। मतलब जो मंदिर है ये, तो ये वाला जो आप यहाँ मंदिर देख रहे हो इधर, इस मंदिर में क्या है, पहले धूप बत्ती वो करते हैं, फिर इस हाथ फेरी लेते हैं, इसलिए उसको उसका नाम प्रभात फेरी है, मतलब प्रभात फेरी साथ लेते हैं यहाँ पर इस जगह पर। पर सबसे पहले हम इस वाले मंदिर के अंदर गए, पूजा करी और शिवलिंग पे पानी चढ़ाया, फिर उसके बाद हम इस वाले मंदिर पर गए, बट उसके बाद फिर हम इस वाले मंदिर पर गए। तो जैसे आपने यार देखा था यहाँ नीचे भी मंदिर है, चारों तरफ मंदिर है भाई साहब, चारों तरफ इतना बढ़िया है यहाँ का जगह। चारों तरफ पूजा कर दी है, अब हम घर के लिए निकलते हैं, फिर भूख भी लग रही है सबको, तो अभी हम खाना खा के फिर निकलते हैं। और कुछ वैसे अभी हम यहाँ पे मंदिर से पूजा करके ऊपर के रास्ते आ गए हैं, मतलब मंदिर से पूजा करके ऊपर आ गए हैं, बट अभी थोड़ा हालत ठीक है हमारी, क्योंकि हमने अभी आइसक्रीम या नीचे पे दुकान खुली थी, तो वहाँ भाई एक से एक आइसक्रीमें थी, तो हमने कौन वाली आइसक्रीम वो बोल दिया था, मैंने खरीद लिया था, बाय कर लिया था, तो हमने वो खा करके फिर हम ऊपर के लिए आ गए, निकल पड़े। जब हम गाँव में पहुँचेंगे, वैसे तो टाइम से नहीं पहुँचेंगे हम, क्योंकि इतनी थकान लग गई है। देखते हैं रास्ते पर रुक रुक के चलेंगे, ताकि थोड़ा आराम मिले, फिर हम पहुंच जाएंगे। फाइनली हम रोड में पहुंच चुके हैं, कितना पैदल चलना पड़ रहा है, एक तो धूप इतनी हो रही है, क्या बताएं आपको। ओके आप चलते हैं। फाइनली गाइस यहां पे गाड़ी मिल गई है, इसने इन्होंने रोक दिया है। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं गाड़ी की मदद से, इसकी मदद से, बढ़िया। तो अभी हम चलते हैं दुकान की तरफ, बहुत भूख लगी है, तो अब दुकान की तरफ चलते हैं। तो अभी हम दूसरे गांव में पहुँच गए हैं, इस गांव का नाम बड़ेत है, इस गांव का नाम बड़ेत है। तो हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमको भूख लगी थी, यहाँ तो बहुत दुकानें हैं और होटल भी है, तो हम यहाँ से पेट पूजा करके फिर अपने घर के लिए निकलते हैं। तो फाइनली गाइस हम ऊपर पहुँच गए हैं, वहाँ से नीचे ऊपर की तरफ रोड की तरफ आ गए हैं, अब थोड़े से रोड चढ़ना है, फिर चढ़ाई है उसके बाद हमारे गांव के लिए, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। तो हम गांव पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा रास्ता बचा है, तो हमने यहाँ नीचे बस खाने के लिए केला वो सब लिया। चलो तो आप यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं।